Assalamualaikum, this is Shamim back. Welcome to another vlog. तो आज हम अभी आ गए हुए एक मंगला डैम मीरपुर आज़ाद कश्मीर। ये जो मेरे आप पीछे आप सीन देख रहे हैं, ये रोड नज़र आ रही है, इसे मरकज़ी कश्मीर शाहरा कहते हैं, जो कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर कोटली और रावलपिंडी को मिलाते हैं। और मेरे दूसरे कप में आप देख सकते हैं ये मंगला डैम है, जो कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम है। और इसमें अभी पानी दिन ब दिन वो बढ़ती जा रही है, जून की बारिश ज़्यादा हो रही है आजकल, तो पहले काफ़ी नस्बत कम थी, पानी अभी ऊपर आ रहे हैं, पानी की सतह भी आगे आ रहे हैं। तो इसके साथ मेरे साथ मौजूद हैं शमीम और मेराज, ये भी हमारे साथ जा रहे हैं। हम अभी वॉक कर रहे हैं, तो अभी हम 5 मिनट तक चल के आए हुए हैं। वहाँ जो एंट्री पॉइंट आप देख सकते हैं मेरे पीछे, वहाँ से हम चल के आए हुए हैं। इंशाल्लाह हम जाएंगे उधर तक, जहाँ तक हम जा सके वहाँ तक जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम भी अभी शॉर्ट है, तो ये मौसम भी ख़राब है, मैं भी आगे पहुँचने तक बारिश स्टार्ट हो और शाम भी होने वाली है। आजकल मसरूफियात ज़्यादा होते हैं, क्या करें। तो ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर हो गया, और ये आप मेरे कप में देख सकते हो, ये न्यू सिटी है मीरपुर आज़ाद कश्मीर को, जो न्यू वो जो आबादकारी हुई वो यहाँ पे स्टार्ट हुई। पहले जो मंगला डैम, ये मंगला डैम हो गया, पहले जो मीरपुर के जितने भी आबादी थे वो सारे इधर थे, तो अभी यहाँ से शिफ्ट होके सारे आबादी ऊपर चले गए इस ऐसे में। और तो ये है मीरपुर के बारे में, अगर आपने मज़ीद इंफॉर्मेशन देखनी हो, मज़ीद वीडियोज़ देखनी हो, तो मेरे YouTube चैनल पे जाए, वहाँ पे और भी व्लॉग्स मेरे मौजूद होंगे वहाँ पे मीरपुर के हवाले से, और मीरपुर में जो और भी बहुत सारी जगह हैं उसके हवाले से भी व्लॉग्स हैं। लेकिन जो मशहूर जगह है मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, वो मंगला डैम है। आपने सुना भी होगा मंगला डैम मीरपुर आज़ाद कश्मीर, और इसी के साथ दो छोटे मोटे पार्क हैं, वहाँ पर कोई नहीं जाता और वहाँ पर जाने के काबिल भी नहीं है, और कोई जगह भी नहीं है। तो मंगला डैम आप अगर आए तो विज़िट करें, है तो कुछ भी यहाँ भी नहीं है, बस आप वॉक कर सकते हैं यहाँ से, वॉकिंग ट्रैक पे आके वॉक कर सकते हैं। और ये थक तो नहीं गए? बस थोड़ा हालत ख़राब हो गया। क्यों? बस चलने थोड़ा, तुमने एक मिनट नहीं भागा है, हालत ख़राब होने लगी। दो दफ़ा मैंने चक्कर लगाया इधर पूरा, ये आप देख सकते हैं इतना लंबा ट्रैक है यहाँ पे, अक्सर हम वॉक के लाते रहते हैं। अक्सर कब आए? पिछले महीने में एक दफ़ा आया ना। ये मेराज कैसा फील कर रहा है, हबलू और आज़ाद कश्मीर की नस्बत कौन सी जगह सही लग रहे हैं? बोलो नहीं, शर्मा रहा है बहुत। ये क्यों शर्मा रहा है यार, इधर बोलो ना। जो वाले की नाद हो गया, जरे वाले क्यों बोलो ना इधर। बोलो ना इधर, बोलो क्या कुछ फील कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, कि क्यों शर्मा रहे हो यार, बोलो, मर्द बनो मर्द। ये शर्मा रहे, इसको हम कुछ करते हैं, ये अभी न्यू न्यू आया आज़ाद यहाँ सिटी में, इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ये काफ़ी शर्मा रहे इनके, इंशाल्लाह हमारे पास इलाज भी है, करते हैं इसका कुछ। और इसी के साथ मैं यहाँ पे व्लॉग थोड़ा स्टॉप कर रहा हूँ, और थोड़ा आगे हम जाएंगे फिर वहाँ से थोड़ा और भी आपको। ये मंगला डैम जिसके लंबाई तकरीबन 1000 तक होगा शायद, मुझे सही नहीं इनकी जो कितने क्यूसिक पानी होता है इसमें, 1000 से ऊपर होता है। तो ये आगे मेरे साकब में आप देख सकते हैं, नीचे कुछ लोग मछलियां भी पकड़ी, वैसे तो यहाँ पे मछलियों को शिकार माना है, लेकिन पता नहीं ये लोग लाइसेंस के तहत ठूक करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं। और इसी के साथ में वहाँ पे जो एक पार्क नज़र आ रहा है, वहाँ से हम आए हैं, उसके जो सामने जो ट्रैक वहाँ पे एंट्री पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, उधर से हम चल के आए हैं। तो तकरीबन इधर आके हमारे जो हौसला है वो यहाँ पे ठस हो गए, और यहाँ से हम आगे हम नहीं चल पाए, तो अभी हम कोशिश यहाँ से फैसला किया है कि यहाँ से वापस जाएँगे। इधर थोड़ा ये लोग पिक्चर ले रहे हैं, थोड़ा तस्वीरें बनवा रही हैं, इसके बाद हम जाएँगे वापस अपने ठिकाने पर। मैं आपको यहाँ पे ये भी दिखाता चलूँगा, नीचे जो नज़र आ रहे हैं आपको ये रोड है, ये देखिए आप मीरपुर आज़ाद कश्मीर और रावलपिंडी का जो बनाते हैं वो रोड है। और इसके साथ में क्या दिखाऊँ यार, आपको कुछ नज़र ही नहीं आ रही, क्या क्या दिखाऊँ मैं। ये आप देखें वो उधर फैक्ट्री नज़र आई, बस यहाँ पे कुछ है ही नहीं है,
क्या कर पाता हूँ मैं। ये घर है, बिल्डिंग है, पैसे इनके पास और कुछ नहीं है, जगह तो कुछ भी नहीं है। एक मंगला डैम है, वहाँ पे आने के काबिल नहीं है। बस जब मौसम आप थोड़ा ठंड हो तब आ सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं आ सकते। पता क्या होता है यहाँ पे ना, काम इनका कुछ होता नहीं है। सुबह नाश्ता करता है, दिन को दोपहर का खाना खाता है, रात को फिर बड़े बड़े होटल से यहाँ पे खाते हैं, फिर उनका पेट में ना बर्दाश्त नहीं करते, तो ये उनके यही कीड़ा इधर लाते हैं, ये मसला है। नहीं तो इधर मार्केट ट्रैक पे कौन आता है, हम जैसे लोग देखो नाश्ता करके दिन का रोटी नहीं खाते, शाम को कुछ भी मेरा खा देते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है वाकई वाकई इन लोगों को ना, बस इनको खाते हैं, काम होते नहीं है इसीलिए आते हैं। ये मेरे साथ एक भाई मौजूद है, भाई आ सकते हैं आप। ये मेरे साथ एक भाई मौजूद है, ये भाई आप यहाँ पे वाकई ले आए हैं? जी जी। ये आप मुकामी हैं यहाँ के? ना ना ना, मेरा ऑलरेडी काम ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जॉब मिलते हैं? नहीं नहीं, वैसे घूमने हैं। जो वैसे घूमने हैं तो क्या अच्छा लगा आपको यहाँ का माहौल? बहुत खूबसूरत लगा है। खूबसूरत इलाका है, क्या खूबसूरत लगा यहाँ पे, क्या अच्छा लगा? यार वैसे तो ये मैं भी मानता हूँ कि मैं भी 4 साल से यहाँ का मौसम तो ऐसा ही है, लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या कहा देखा है, कि आपने क्या कहा, कौन सी जगह विजिट की यहाँ पे? सबसे पहले तो ये डैम ही है। डैम जी, इसके अलावा कुछ और जगह डैम ही है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये भाई है, ये तो कामी नहीं है वैसे तो मेरी तरह, वहाँ बाहर साहिब हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग होते हैं कि जो घूमने के जो बाहर, अगर हमारे जीबी की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे जगह हैं, हम वहाँ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें। यहाँ पे ये मसला है कि इनको कोई जगह हो तो उसको, ये देखे यार ये पिक्चर बना रही है, अभी तक इनकी बस नहीं हुई है। शर्म करो यार, तुम गिलगित के हो इधर बैठ के पिक्चर बना रहे हो, क्या है इस जगह में, ऐसी क्या है इस जगह में, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर एक पिक्चर बनाया काफ़ी है ना, वो बार बार वो रास्ते में रोक रोक के पिक्चर बना रहे हैं, ये शर्मा रहे देखो बेचारे। तो फाइनली ये फाइनली अभी हम क्या अनाउंस करें, हम थक गए तो हमने सोचा थोड़ा बर्गर शर्गर या पिज़्ज़ा खाने जाते हैं, तो अभी डिसाइड नहीं हो कि हम पिज़्ज़ा हट जाए या KFC जाए। तो आप बोलो कहाँ जाएंगे शमीम भाई? नहीं, जहाँ आप लेके जाए आपको प्यार ये KFC जाना था, लेकिन वो तो बहुत दूर है अभी इधर से, तो नहीं वो इशू नहीं है, वो इशू नहीं है, हम पहुँच जाएंगे। वो आपकी गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा कम है ना? नहीं, गाड़ी में पेट्रोल हम डलवाएंगे भाई, डलवाएंगे हाँ बाइक से, बाइक बाइक से हम गाड़ी में, बाइक से निकाल के तो हम इंशाल्लाह KFC या पिज़्ज़ा हट जाएंगे अभी इस टाइम। लेकिन अल्लाह करे ये बात जबान मुबारक हो, लेकिन मुझे दिल नहीं मानता कि ये होगा। ठीक है, मुश्किल से चाय भी पी लेंगे हम, आपको बताएंगे, लगता है कि एक कप चाय भी लेगा इससे। ठीक है, ये भाई हंस रहे आगे, ये भाई है वो जो हम ये कह रहे हैं ना, इसके जो बड़े बड़े एलानात है वो सुन के इनको हंसी आ रही है, तो मैं क्यों ना हंसूँ? सही है, इंशाल्लाह वो आपको तो पता चल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से कैमरे में आप लोगों को भी दिखाएंगे इसने क्या किराया क्या होता है, फिर आप लोगों को डिसाइड कर। वो दाजरीन ये आसिफा भुट्टो पार्क है, सही है, इसमें पैसे बहुत लेते हैं, इंजॉय कम होते हैं, जितना आप इसमें घूम लेना इंजॉय करें उसके उसी दौरान आपको पैसे की टेंशन ज़्यादा, इंजॉय कम होती है। ये वो पार्क है, उसमें कभी नहीं जाना आप लोगों ने, मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, सब बकवास है, नहीं जाना, समझ आई? बस इधर नेचुरल व्यू, ट्रैक पर बैठो यार, इधर फ्री, कोई पैसे नहीं है, उधर जाकर हमने क्या करना, वहाँ पर देखना है, वो देखो यहाँ इस तरह देखो, बस इंजॉय, उसमें बैठ के क्या करना है, इधर से बस ट्रैक ले लो, ट्रैक के मजे लो, यहाँ से डैम देखो, मंगला डैम देखो इधर से, ठीक है, ये देखो, बेशक आप कश्ती में बैठ जाओ यहाँ, मैं कहता कश्ती में भी ना बैठो, फजूल इधर से नीचे डूब के मर जाएगा, बस इधर से बैठो ट्रैक पे, यहाँ से देखो, अच्छी अच्छी सांस लो, लंबी लंबी सांस लो, दौड़ो भागो पीटो इधर, ठीक है, बस ये ट्रैक पे, इससे आपने हटना नहीं है, पैसे खर्च, इंजॉयमेंट भी साथ, पैसे भी नौ पैसे, इंटरटेन भी, वाक भी, रिफ्रेश भी, ठीक है। यहाँ देखे फैमिली भी बहुत ज़्यादा आई हुई, मेरे तो फैमिली नहीं है, लेकिन जिनको फैमिली है इनके तो मज़े हैं यहाँ पे, एंजॉय टाइम होती है, एक आज़ाद माहौल में फैमिली के साथ ज़िंदगी गुजारना वो भी बहुत एक नियामत है यार। तो अभी हम व्लॉग बस कर रहे हैं, बस इधर से अभी हम निकल रहे हैं, बस फारिग के घूम लें फिर लिए भाग दौड़ किए हैं, अब अभी जाएंगे वापस, ये कुछ चाय पिलाए, इसके औकात में तो नहीं है, इसके अगर औकात होगी कोई चाय पिलाए तो हम पी के जाएंगे, नहीं तो रुक के मरेंगे। आप लोग इस वीडियो को एंजॉय किए करें, देखें, दूसरों को भी शेयर करें, गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम लोगों को, इसके बाद प्यार से बातें समझनी आती ना आप लोगों। अच्छा, तो तुम लोगों को क्यों गुस्से से बोल रहे हो, हमें तो नहीं बोल रहे, तुम अपने ऑडियंस को इधर वीडियो में गुस्से से, ऑडियंस को गुस्से क्यों यार, ऑडियंस लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, अल्लाह जो शेयर करेगा उसको इनाम मिलेगा, नहीं इनाम की जरूरत नहीं, मैं लालच नहीं देता, जिनको पसंद आए वो लाइक करे बस।